नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। कावेरी जल मुद्दे पर विवाद, बेंगलुरु में बुलाया गया बंद, तमिलनाडु से बस सेवाएं बाधित। मुस्लिम भी हमारे संघ के लिए कोई पराया नहीं, लखनऊ में बोले मोहन भागवत। यूपी में दलित वोटों तक पहुंचने के लिए बीजेपी दलित बस्तियों में चलाएगी विशेष संपर्क अभियान। नीतीश आएंगे तो उनका स्वागत है, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। जंगपुरा के ज्वेलर शोरूम में 25 करोड़ के गहनों पर चोरों ने किए हाथ साफ। एक्ट्रेस वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यूपी के बाराबांकी में वकील की फायरिंग से बाल बाल बची महिला, पालतू कुत्ते को लगी गोली, मौत। 146 दिन की हॉलीवुड की हड़ताल खत्म, लेकिन फिल्में नहीं बन सकेगी। अमेरिका ने भारतीय छात्रों को 90,000 वीजा दिए। दक्षिण अफ्रीका में तूफान के बाद समुद्री लहरों का रौद्र रूप। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।